अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी शेक, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। और जैसा कि सीज़न इन है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 2 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर, स्ट्रॉबेरी जो कि 1 कप भर के लिया है, और ये जो मैं बनाने लगी हूँ 2 ग्लास बन जाएंगे, और 1 कप लिया है मिल्क। स्ट्रॉबेरी जो कि मैंने फ्रीज़ की हुई थी, और आप इस पॉइंट पे फ्रीज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रीज़ की हुई नहीं है तो इस पॉइंट पे आप इसके अंदर बर्फ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने की रीज़न ये है कि इससे स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ही मज़े का बनता है और क्रीमी क्रीमी लगता है। आप इसको फ्रीज़ करके ही बनाइएगा। सबसे पहले जग के अंदर हम डाल लेते हैं स्ट्रॉबेरी, मिल्क और शुगर। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए जूसर को चलाएँ, उसके बाद आप ये मिल्क शेक सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे ये होगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, कोई भी वीडियो आपसे मेरी स्किप नहीं होगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे डाल लेते हैं ग्लास के अंदर। जैसा कि ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी बना है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दो में याद रखिएगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।